हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में आज वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, बट ये नाइट की क्लिप है शादी की, लेकिन मैं एडिटिंग मॉर्निंग में कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, क्योंकि ये मॉर्निंग में ही ब्लॉग जाएगा। तो चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस, आप सभी की ज़िंदगी में भोले शंकर की महान कृपा बनी रहे, और आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, और जो भी मनोकामना है वो पूरी करें भोले शंकर। आज है शिवरात्रि, तो आज शिवरात्रि पे ये ब्लॉग जाएगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बोलना चाहिए। तो सभी लोग आज कमेंट में बोलिएगा। और यहाँ पे हो रहा है डांस, तो रात रात में डांस हो रहा है गाइस, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा चैनल पे। जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, और मुझे खुशी होती है, क्योंकि जब मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो मेरे फेस पे आ जाती है स्माइल, तो स्माइल आती है, तो मुझे बहुत, मतलब क्या बोलूँ आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो यहाँ पे हो रहा है, अब शादी होने का टाइम आ गया है, यानी मॉर्निंग हो गई थी, बहुत 3-3.5 बजे का ये टाइम था। तो भाई को अब लेके जाएंगे मंडप पे, और मंडप में वहाँ पे अब होगी भाई और भाभी की शादी। तो अब चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे होती है शादी। तो आप लोग बने रहोगे तो आप लोग भी देखोगे, और शादी होने के बाद तो विदाई होती है, तो प्लीज़ गाइस एंड तक बने रहिएगा। तो ये जो कुछ रस्में होती होंगी वो करी जा रही हैं यहाँ पे, और देख सकते हो थार लेके उनकी दादी सास खड़ी हुई, यानी कि मेरे भाई की दादी सास हैं शायद, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन वो दादी लग रही हैं। तो यहाँ पे आरती उतारी जाती है, और जितनी भी घर की लेडीजें होती हैं सभी दूल्हे की आरती उतारती हैं, और उसके बाद मंडप पे जाता है दूल्हा, फिर वहाँ पे होती है शादी, फेरे, जो भी होता है ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, और यहाँ पे फ़ोटो भी शूट हो रहे हैं। तो चलिए होती है आरती, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही थी हम लोगों को रात में ठंड। और देखना, अभी पूजा ने पहन लिया है जैकेट, और मैं जैकेट लाना भूल गई थी, इसलिए तो मैं तो कुछ नहीं पहन सकती थी, फिर मुझे भी जैकेट मिल गया। ऐसा नहीं है कि मैं बिना जैकेट के रही हूँ, तो मुझे भी जैकेट मिला, मैंने भी पहना। फिर रात में ये सारा मंडप के पास में जितना भी सुहाग की साड़ियाँ, ये सब सामान मैंने आपको पहले दिखाया था, भाभी के लिए जितना भी सुहाग का गया हुआ था वो सारा मंडप के नीचे लगाना होता है, तो ये जिम्मेदारी मेरी थी करने की, तो ये मैंने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी। तो सारा सामान मैंने यहाँ पर लगा दिया मंडप के पास में, और अनिका यहाँ इस टाइम पे सो रही थी, वो सो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो वो सो गई। तो सारा सामान यही मंडप के पास लगा रहेगा, जितना भी है ज्वेलरी से लगा के, कपड़े, चूड़ी, चप्पल, जितना भी होता है ना। और भाई भाभी दोनों लोग इस साइड बैठे हुए हैं येलो साड़ी में, भाभी हैं और येलो साड़ी में शादी होती है, फिर उसके बाद फेरे चुन्नी से करवाए जाते हैं, चुन्नी वाली साड़ी जो जाती है। और यहाँ पे मैं सारा सामान निकाल रही हूँ, और देख सकते हो मैंने भी जैकेट पहन लिया है, क्योंकि इतनी ठंडी लग रही थी कि क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे कि बर्फ़ हो रहे थे हम लोग, इतनी ठंड थी। तो भाभी को भी शॉल डाल दी गई थी, क्योंकि हम लोगों को ठंड लग रही थी तो भाभी को भी लग रही थी, तो मैं निकालती जा रही थी। और ये मेरे भाई के दोस्त हैं भैया, वो सारा सामान सेट कर रहे थे, तो सभी लोग थे हेल्प करवाने के लिए मेरी, बस मैं निकाल निकाल के रख रही थी और सभी लोग कर रहे थे। और जिस पता नहीं कौन मेरा वीडियो शूट कर रहा था, इतना हिलाया डुलाया है ना कि मैंने बहुत चीज़ें इसमें से काट एडिटिंग कर दी है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था, इतना हिला डुला के वीडियो बनाया है, कुछ समझ में ही नहीं आया कैसे मैं डालूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इस तरीके से कैमरा हिला रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब मैं बिज़ी थी तो किसी ना किसी को तो देना ही पड़ता है ना।
तो आप लोगों को वो वीडियो अच्छे लगे, आप लोगों ने बहुत सारे बेस्ट विशेस दिए मेरे भाई और भाभी को, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों को गाइस। धन्यवाद बोलूँ वो कम है आप लोगों के लिए। बस इसी तरीके से प्यार अपना बनाए रखिए और अपना साथ ज़्यादा से ज़्यादा करिए कि मैं भी मेरा भी चैनल आगे जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सिंगल मदर हूँ, तो सिंगल मदर की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो बस यही है, मैं पूरी चीज़ें नहीं बताती हूँ मैं किस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ क्या है, बस आप लोग प्लीज़ समझो कि सिंगल मदर की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करो कि मेरा भी चैनल ग्रो कर जाए और मुझे उससे थोड़ी सी अर्निंग होने लग जाए और मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाए, जो मैं अपनी अनिका को अच्छे से पढ़ा सकूँ और उसे हर चीज़ दिला सकूँ। बस यही है, बाकी मैं कुछ ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। इतना ही आप लोगों का साथ बना रहे हो, माता रानी का आशीर्वाद रहे तो बहुत कुछ हो सकता है वैसे भी। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी निकाल के रख रही हूँ, जितना भी गोल्ड का और पायल वगैरह आपको मैंने दिखाया ही था क्या क्या भाभी को दिया गया है, तो वो सारा सामान मैं निकाल निकाल के रख रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पे रखा जाता है सारा सामान, क्योंकि इसके बाद भाभी पहनेंगी, यहीं से उठा के वो कि घर वाले लेके जाएंगे, फिर वो पहन लेंगी। तो गाइस चलिए बने रहिएगा। यहाँ पे होने जा रहा है कन्यादान जो भी होता है, तो यहाँ पे पैर छुए जाते हैं अपने बेटी और दामाद के। तो यहाँ पे सबसे पहले बाबा हैं ये भाभी के, वो करेंगे, उसके बाद मम्मी पापा करेंगे, जितने भी चाचा चाची और माँ मासी मौसा जो भी करते हैं सभी लोग करेंगे। यहाँ से कन्यादान होता है और उसके बाद फेरे होते हैं, फिर सिंदूर लगाया जाता है। तो गाइज वो क्लिप मुझसे मिस हो गई, मिस किया मैंने, सूट ही नहीं करा क्योंकि अनिका के पास मैं थी और कोई सूट करने वाला था ही नहीं, मैं पूरी रात जगती रही, बस ये क्लिप मिस हो गई क्योंकि मैं अनिका के पास थी। अनिका के पास होना बहुत ज़रूरी था, आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि मेरा बच्चा अकेले वहाँ पे कैसे मैं उसे छोड़ देती, तो वो क्लिप मिस हो गई गाइस, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे होने लग गई शादी, फिर हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में ये है मेरी भाभी का गांव, कितना प्यारा है ना, गांव से मुझे भी अब बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया है, मुझे भी गाँव बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं। तो मॉर्निंग हो गया है, मॉर्निंग में धूप निकल आई थी लेकिन मैंने फिर भी जैकेट पहना था, मैंने कपड़े यहाँ पे चेंज कर लिए थे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा मैंने कौन सी ड्रेस पहनी थी। तो अब यहीं से होगी विदाई, तो गाइज आपको कल की वीडियो में विदाई का देखने को मिलेगा। आई होप आप सबको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का सबसे पार्ट आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। और मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ गाइस चैनल पे जो न्यू आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।